मेवा नहीं तो सेवा भी नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ऐसे कई नेता सामने आए जिन्होंने चुनाव हारने के बाद चुनाव नतीजों के अगले दिन समाज सेवा से किनारा कर लिया। लाडवा से कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के सामने बागी निर्दलीय चुनाव लड़ जमानत जब्त करवा बैठे संदीप गर्ग ने लाडवा में आम लोगों के लिए 5 रुपए में खाना खिलाने वाली पांचों जनता रसोईयां बंद कर दी। यहाँ खाना बड़ा बढ़िया लगा था। अच्छा था। हाँ, अच्छा था। कितने लोग खा जाते थे दिन में? यहाँ पे 500 के एड गेड खा जाते होंगे। तो कितने रुपए का मिलता था? 5 रुपए में। कौन चला रहा था ये? इसको श्री संदीप गर्ग जी। ये जी 1.5 साल के करीब चली जी है। तो क्या होता था यहाँ पे? इसमें जी खाना 2 दिन तो जी कड़ी चावल आते थे जी, बाकी जी ये दाल दुआल जी राजमा खाना ठीक आता था जी। तो कितने रुपए में मिलता था? 5 रुपये एक बंदे के जी। तो कितने लोग खा लेते थे? पूरा जी 150 भी आए जी, 200 भी, 100 भी जी, 70-80 भी चले जी। तो किसने चलाई थी ये जी? संदीप गर्ग जी। तो क्या चुनाव लड़ना चाहते थे वो? क्या बस देखो जी थे वो? बस देखो जी चुनाव के बाद ही बंद करी जी। हम तो सोचेंगे जी चुनाव के लिए खोली थी जी ने ये। तो किस दिन बंद हुई ये जी? वोटिंग खत्म होगी जी, उसके बाद जी अगले दिन बंद कर दी जी। एक दिन खाना खड़ा है जी ने उसके बाद जी। मैं खड़ा था वहाँ, नतीजे आने के बाद अपना इसने रसोई बंद कर दी। दरअसल लाडवा से संदीप गर्ग चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें इस चुनाव में महज 2262 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद संदीप गर्ग ने समाज सेवा से किनारा कर लिया और पांचों जनता रसोइयों को बंद कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।